करनाल पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। मीडिया से बातचीत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, ढाई महीने से अधिक इस सरकार को बने हो गया है, परंतु अभी तक इस सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं आया है। जो भी घोषणा पत्र में वादे किए गए थे, अभी तक एक भी वादा पूरा नहीं किया। बुढ़ापा पेंशन के मात्र 50 रुपए बढ़ाए हैं, जबकि गठबंधन करने वाली जेजेपी पार्टी ने 5100 रुपए की घोषणा की थी। तो आप तो आप लोगों से मिलूं ना, फिर आप राज होते हो, पूछो सवाल आपके, जवाब मेरा। हरियाणा के साथ जो सीएलडी को लेकर विवाद चल रहा है मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच में, किस तरीके से देखते? देखिए, जहाँ तक विभाग का आवंटन का सवाल है, किसके पास कौन सा विभाग है, वो तो गवर्नर के नोटिफिकेशन से पता लग जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की सिफारिश पे गवर्नर पोर्टफोलियो का नोटिफिकेशन होता है। अब ये इनको इस से हटकर काम करना शुरू करना चाहिए। पेंशन 5100 का वादा था, 3000 का वादा था, दोनों में से कोई भी पूरा नहीं हुआ। नहीं, 50 रुपये बढ़ा तो दिए। आप संतुष्ट हैं? 50 बढ़ा दिए। नहीं, सवाल इस बात का है, अभी तक तो इन्होंने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी नहीं आया। जैसे महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी, वहाँ पर इसकी कोएलिशन की, तो फोर्थ रेंज से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम अनाउंस किया गया। अब ढाई महीने से ज़्यादा हो गई सरकार को, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। किस दिशा में सरकार जाएगी, क्या फैसला लेगी, अब तक तो जनहित का कोई फैसला नहीं लिया। मैं बार बार यही सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से, ये सरकार काम करना कब शुरू करेगी? जो गठबंधन की सरकार बनी है, कोई उनके विचारों की तो समानता नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ लड़े, और जो विद इन जेजेपी भी हैं, वो विधायक भी जो है, उनकी भी विचारों की समानता नहीं है। लेकिन ये प्रजातंत्र में नंबर गेम होता है, नंबर उन्हें बनाया, सरकार बनाई, तो मेरी उनको शुभकामनाएं हैं कि भी जो लोगों से वायदा किया है वो पूरा करें, सरकार बनाई है तो जो वायदा किया है वो पूरा करें। दिल्ली में चुनाव आ रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाने शुरू करते हैं। हैं? जेजेपी के जो विधायक है गौतम ने कल फिर बताया, उन्होंने सवाल उठाने शुरू करते हैं उनसे। कल फिर? रामकुमार गौतम ने एक बार तो और भी बहुत सारे विधायक उठा रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाई, सरकार से काम करना कब शुरू करेंगे? बलराज कुंडू जो रामकुमार गौतम है, आपके टच में है किसी भी तरीके से? मेरे तो सारे टच में है, क्या ये कोई वही, हम तो यार कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी से, ये है डेमोक्रेसी। नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है अभी। ये सरकार जो बनी है, जिसके हमसे कार्य करी है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने वजन में अपने आप गिर जाएगी कभी ना। दिल्ली चुनाव को लेके कैसे देखते हैं सर आप? दिल्ली में चुनाव तिकोनिया होगा, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और आप पार्टी में रहेगा। बीजेपी और बीजेपी गठबंधन करने जा रहे हैं। जीरो सीटें थी पिछली बार दिल्ली के अंदर, जीरो सीट आई थी कांग्रेस की, इस बार खाता खुलेगा उम्मीद है? मैं कह रहा हूँ मुकाबला ही आप पार्टी में और कांग्रेस में है। वन बाई वन, वन बाई वन सर, जेजेपी और बीजेपी दिल्ली में सुना है गठबंधन करने जा रही है, तो क्या वो सरकार बना पाएंगे? देखे अभी तेल देखो, तेल की दाल देखेंगे। कैप्टन अभिमन्यु और उनके परिवार द्वारा जो माफी दी गई है, जो जाट आरक्षण आंदोलन हुआ, उस पर क्या कहना चाहिए? किसने माफी दी? पंचायत ने समझौता कराया, अच्छी बात है। ओपी धनखड़ कहते हैं कि अगर ये समझौता चुनावों के दौरान हो जाता तो कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ दोनों विधानसभा। नहीं, अगर समझौता पहले हो जाता तो ऐसा है, ये असलियत जो अब कुंडू ने कही है वो पहले बाहर आ जाती, कि जो जान माल का नुकसान है उसके लिए असली जिम्मेवार कौन है? जो प्रकाश सिंह कमेटी ने कहा, जो अब बलराज कुंडू कह रहा है, सरकार स्वयं जिम्मेवार है, और इनका वो हो जाता है, एक्सपोजर हो जाता है, जो अब पता लगा है। अब तो इनको तुरंत जो है इस बात की वो करनी चाहिए, बल्कि सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए जो जान माल का नुकसान हुआ। समाज को नहीं, समाज कभी दोषी नहीं होता है, लेकिन कुछ व्यक्ति हो सकते हैं। सर, डांग घोटाले में जो जांच हुई है, डांग घोटाले में जांच हुई, कहीं ना कहीं सरकार पे सवाल उठे हैं कि पुष्टि भी हो चुकी है घोटाले की? पिछले 4 साल से हम उठा रहे हैं, हर बारी पिछले 3-4 साल से धान में खरीद में घोटाला हो रहा है और हम सवाल उठा रहे हैं, और ये सरकार आने के बाद तो इतना कोई 150 करोड़ का घोटाला नहीं है, ये 1000 करोड़ का घोटाला है,
और इसकी तुरंत सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। असली नुकसान किसका हुआ है? असली नुकसान किसान का हुआ है, जो उसने 300-300 रुपए क्विंटल कम बेचना पड़ा, उसकी पूर्ति कौन करेगा? किसान की पूर्ति आज आज किसान को अपना दाम भी नहीं मिल रहा, उसको भाव भी एमएसपी नहीं मिल रही, उसकी पूर्ति कौन करेगा? आज किसान के ऊपर तो दौरी मार पड़ रही है, ये इधर से सरकार और ये जो ओलावृष्टि हुई है उससे इतना भारी नुकसान हुआ, और अब तक स्पेशल गिरदावरी के आदेश नहीं हुए। तुरंत जो है वो उसके स्पेशल गिरदावरी करा के और कंपनसेशन करना चाहिए किसान को। उन्हें कह तो रहा हूँ, उनकी पेमेंट ही नहीं हुई, किसान को पेमेंट भी नहीं हुई, और वैसे भी सस्ता बेचना पड़ा जिसको है, तो असली नुकसान तो किसान का है, तो किसान तो बर्बादी की तरफ हो गया, कर्जे में डूबता जा रहा है। काफी महीने हो गए, तो कांग्रेस जिला लेवल पर कब संगठन बनाने जा रही है? बनाएंगे, अभी भर्ती होगी जब बनेगी।